गाइज, मैं रिसेंटली GTA 6 का ट्रेलर देख रहा था और इसके ग्राफिक्स देख के मैं हैरान हो गया। एक सेकेंड, इन सब के बीच में हमारे वो पुराने गेम कहाँ गए जो कि हम बचपन में खेला करते थे? तो आज हम लोग खेलने वाले हैं वही पुराने गेम। तो गाइज, गेम देख के तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये है गेम द वन एंड ओनली GTA की आन बान शान मान, द GTA यूनिवर्स का दूसरा 3D गेम, जो कि गाइज मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। बेसिकली बोलूँ तो मेरे पास कोई शुरू से कंसोल या PC नहीं है जो मैं इसे खेलूँ, और ये गेम बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, जो वरना इसके सारे वैसे वर्जन क्या डेफिनेटिव एडिशंस मिल रहे थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से खोजा। तो उसी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये गेम भाई, मुझे इसकी स्टोरी वगैरह कुछ नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। तो गाड़ी चलाते हैं सबसे पहले, गाड़ी चला, लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा मुझे उतरने दो। क्या मैं अपना पहला एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, वरना NPC लोग बातचीत करेंगे, बड़ा भिखारी ड्राइवर आया सिटी में। तो मैं चाहता हूँ कि पहला मैं इस गली से तो निकालूं, वरना बाद में तो खूब एक्सीडेंट करने हैं, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट भर के करने हैं। भाई ये माउस नहीं संभल रहा मेरे से, पता नहीं क्यों, ये मतलब समझ रहे हो ना, माउस की एकदम हल्का सा करो फिर पूरा ही घूम जा रहा है ये तो मेरे से। लेकिन भाई इसकी ड्राइविंग, भाई GTA 5 से अच्छी ड्राइविंग फील कर रहा हूँ मैं इसमें। आप लोग GTA 5 की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, चैनल पर मिल जाएंगे आपको। पर भाई मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इसकी ड्राइविंग GTA 5 से अच्छी लग रही है, वो पता नहीं क्यों अच्छी लग रही है। देखो गाइस, मैंने जैसा कि कहा था, मैं बहुत सारे एक्सीडेंट करूँगा, धूम मचाले कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस धूम मचाते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे इस सिटी को, और शायद से इसमें पुलिस वुलिस नहीं लगती क्या? मतलब 6 स्टार भाई, मतलब पहला मैंने ऐसा पहला GTA का गेम खेला जिसमें 6 स्टार की पुलिस हो, वरना मैंने GTA 5 भी खेला, मेरा पहला GTA सीरीज का गेम GTA 5 में 1 स्टार की पुलिस लग गई। देखते हैं यहाँ की पुलिस भी क्या करती है, हमारा कुछ कर पाती भी है या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। तो भाई ये देख, मतलब GTA 5 में ना आप ऐसे खंभे वम्बे तोड़ोगे तो वो मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया कार में, मतलब कार वगैरह तो डैमेज होगी, मगर ऐसे मतलब बोलते हैं ना, अगर स्पीड में तोड़ोगे तो ना, मतलब कैसे बताऊँ आप लोगों को, मतलब घूमती नहीं है गाड़ी, बोल सकते हैं ना, कट नहीं लेती। लेकिन उसमें भाई कट ले रही है, मतलब लग रहा है कि हाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, याद नहीं है वैसे मुझे अगर कट लेती भी, पर मेरे हिसाब से नहीं लेती है। और यहाँ पे मैं गाड़ी छोड़ के आ चुका हूँ क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है गाइस। अब देखना ये होगा कि पुलिस वाले आते हैं नहीं, और पुलिस वाले, पहली बात तो मुझे ये देखना है कि पुलिस वाले होते, आ गया पुलिस वाला। गाइस ये मेरे से बच के नहीं जाने वाला, भैया ये मार दिया भाई। और ये क्या भाई, ऐसे ड्रॉप, मतलब GTA 5 में ऐसे ड्रॉप नहीं होता, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इसलिए, मतलब देखो आ गया दूसरा वाला भी। और मेरे ख्याल से इसमें मेरे से एम लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाइस इसका माउस ही नहीं संभल रहा मेरे से, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पुलिस वालों की गाड़ी लेके भाग जाऊँ। मतलब भाई देखना, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब GTA 5 में जब तुम आप पुलिस की गाड़ी लेते हो ना, पुलिस वाले ले नहीं देते, तुरंत मार देते हैं उसमें। पर इसमें गाड़ी भाई आ गई, गाड़ी आ गई, आ गई, अब नहीं ले पाओगे, अब नहीं ले पाओगे भाई। आई एम ए प्रो गेमर एज यू ऑल नो गाइज। सो चलिए अंदर को, भाई कौन सी गली में जाऊँ, सामने ही चलता हूँ। सामने भी गाइज पुलिस वाले, और ये गाइज इंडियन पुलिस वाले, नहीं लग रहे आपको इंडियन बोलते ना, बिल्कुल खाकी वर्दी में, खाकी वर्दी बॉलीवुड स्टाइल खाकी वर्दी गाइज, उस तरीके के थोड़े पुलिस वाले हैं ये। मुझे नहीं पता पहले वाई सिटी में ऐसे पुलिस वाले होते थे या नहीं, पर भाई हम लोग पुलिस की गाड़ी भाई गई, पलट गई, रुके एक मिनट, इसको अभी सीधा करता हूँ। हो जा सीधी, हो जा भाई, गाड़ी सीधी क्यों नहीं हो रही इस गेम में, लग रहा होती ही नहीं है गाड़ी सीधी। उतरते हैं एक मिनट, वो दोबारा पुलिस की गाड़ी लेके भागेंगे। भाई इस गेम में गाड़ी सीधी नहीं हो रही, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आई एम शॉक्ड कि इसमें गाड़ी सीधी नहीं होती, मतलब अगर गाड़ी उल्टी हो गई तो वो सीधी कैसे करेगा फिर, मतलब जो करेक्टर है अगर उसे इमरजेंसी में गाड़ी वगैरह टेढ़ी, क्योंकि GTA 5 में आप अगर W प्रेस करके रखते हो, किसी भी साइड का बटन प्रेस करके रखते हो ना, तो गाड़ी सीधी हो जाती है, पर इसमें गाड़ी सीधी नहीं हो रही। और भाई इसकी ड्राइविंग तो मुझे बहुत पसंद आई, आई लाइक इट, और मैं चाहता हूँ कि GTA 5 में भी इसकी ड्राइविंग में मोड्स ढूंढने पड़ेंगे मुझे। भाई इसकी ड्राइविंग बहुत बढ़िया है, मतलब आप एक्सपीरियंस करके देखना, अगर आपके पास PC है तो PC में इसकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ है, GTA 5 से अच्छी मैं कहूँगा, क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है भाई, मतलब गाड़ी पता नहीं अच्छी मिल रही है इसमें, पर भाई बहुत बढ़िया ड्राइविंग है इसकी, जो ड्राइविंग गेम की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत अच्छा है। और धूम मचाले जाते हैं पानी में, भाई पानी में डूब गए एंड वस्टेड, इतनी जल्दी पानी में, मतलब इसमें पानी में तैरने का कोई सिस्टम नहीं है, सीधा ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म। दोबारा हम लोग स्पॉन हो चुके हैं ओशियन बीच, ये कौन सी जगह है? अच्छा ये वाई सिटी में मेरा पहली बार है इसलिए मुझे पता नहीं है ओशियन बीच नाम की कोई जगह है भी या नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं ओशियन बीच पे, और इसमें तो वॉल क्लाइंबिंग का भी ऑप्शन नहीं है, पर गाइस ऑनेस्टली बताऊँ ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा हिट गेम था जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा इतने अच्छे गेम्स बनते नहीं थे, और ये GTA सीरीज के गेम तो होते भी वैसे भी धांसू हुई हैं।
को ये पता नहीं किस लिए मैंने खड़ा होकर देख लिया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, दोबारा गाड़ी लेके भगते हैं और खूब सारे एक्सीडेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम तो एक्सीडेंट ही करना है। पुलिस की गाड़ी नहीं, पुलिस की नहीं, अब तो एक बार पिट चुके हैं। पुलिस की गाड़ी के सामने हमने एक लड़के को मार दिया, और भाई एक स्टार की पुलिस भी लग गई इतनी जल्दी पुलिस को फोन। अच्छा सामने गाड़ी खड़ी थी ना, ओ ये भाई पीछे भाग रहा है मेरे, लेकिन आ जा आज तू गाइस, ये मेरे से नहीं बचने वाला, ये वाले पुलिस वाले को तो मार दूंगा, खत्म है ये भाग जाओ भाई। माउस कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी माउस कंट्रोल नहीं हो रहा। और चलो ये वाली गाड़ी भाई, ये तो कोई स्पोर्ट्स कार लग रही है मुझे, वैसी मस्टैंग जैसी बोलते हैं ना उसे, हैमर कार बोलते हैं पता नहीं क्या, कमेंट्स करके बता देना क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया। मगर ये कुछ वैसी सी सीन, वैसा सा सीन लग रहा है इसका। और पुलिस वाले भाई, कैसे पुलिस वाले पीछे पड़ते हैं इस गेम में, लेकिन काफ़ी बढ़िया मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका बहुत बढ़िया, वाइस सिटी खत्म भाई, मतलब क्या ही बोलूँगा मैं आपको। सामने रास्ता बंद था और मैंने उधर ही कुदा दी गाड़ी। तो अब ये इसमें भी सिग्नल्स, मतलब इसमें ना थोड़ा डार्क सीन से ज़्यादा है इसमें, वैसा अगर इसके वैसे ग्राफिक्स लिए देखा जाए तो GT5 से तो कम ही है, पर डार्क सीन तो ज़्यादा है। गाड़ी में आग लग गई गाइस, बातों ही बातों में खत्म, मर चुके हैं गाइस। तो अब मेरा ये गेम खेलने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि इसमें मैं दो बार मर चुका हूँ। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस ये भी एक लेजिट गेम है, जिस गेम का नाम आप ज़रूर से जानते होंगे, जिसने ये गेम नहीं खेला भाई आपने अपना बचपन क्या बताऊँ मैं आपको, आपके पास लग रहा है मतलब उस टाइम पे आप गेम नहीं खेलते थे ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि ये गेम अगर आपने नहीं खेला तो आपका बचपन बर्बाद है भाई। ये गेम बहुत ज़्यादा खेला है मैंने अपने पापा के सैमसंग G2 में, एंड ये गेम में मैंने इतना स्कोर किया ना भाई, बहुत ज़्यादा स्कोर कर चुका हूँ मैं इस गेम में। और अब ये क्या हो भाई, इसकी नेक फ्लिप भाई, ये तो मैंने बैक फ्लिप मारी है, आप लोगों को नहीं पता है, थोड़ा नेक फ्लिप ये जो होता है ना प्रोलो का स्टाइल है, थोड़ा ये थोड़ा प्रोलो का स्टाइल है, तो ये मैंने अपने प्रो स्टाइल में ना एक नेक फ्लिप मारी है, वो बंदर है ना उसको झेल नहीं पाया। दोबारा चलते हैं रेस पे और मैं इस बार तो हाई स्कोर बना के रहूँगा, अब की बार तो बिल्कुल नहीं चौंकने वाला, इतना हाई स्कोर बना दूंगा आई हाई स्कोर, पूरा गेम का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा आज तो, इतनी आगे चला जाऊँगा बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा इस गेम को। तो गाइस मैं इसमें बहुत आगे तक गया था पहले, लेकिन अब मैं थोड़ा इसमें नूब हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद खेला हूँ वीडियो के लिए, वरना मैं तो अब समझा करो गाइस, अब तो मैं ऐसे गेम नहीं खेलता, मतलब 2D गेम सब बहुत कम खेलता हूँ मैं, लेकिन अब भाई फिर से मर गया मैं इस गेम में। तो गाइस ये गेम भी खेलने का मेरा अब तक कुछ अब मूड नहीं है कि मैं इसे दोबारा खेलूँ, क्योंकि मैं इसमें दोबारा मर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे दोबारा खेलूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है हमारा, वो आप लोग खुद देख के समझ जाओगे, वो भी एक लेजिट गेम है। सो गाइस ये हमारा एक और लेजिट गेम, द वन एंड ओनली सबवे सफर, जो कि बहुत ओल्ड गेम है और मैंने अपने पापा के सैमसंग G2 में बहुत खेला है। क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ सकती है, क्योंकि ये गेम Poki.com पे मैं खेल रहा हूँ और मुझे थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, तो क्वालिटी हल्की सी ख़राब हो जाएगी। सो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, अब तो मैं इस गेम में कह सकता हूँ बहुत मर गया। सो गाइस अब तो मैं इस गेम में बहुत बड़ा नूब हूँ, लेकिन जब मैं पहले खेलता था ना गाइस, जब मैं छोटा था 2-4-5 साल का, तब मेरे पापा के पास G2 फोन था, उसमें खेलता था गाइस, इतनी आगे तक पहुँच जाता था कि ये जो पटली होती है ना, यहाँ पे तीनों ट्रेन एक साथ आ जाती थी, और मैं कितना भी चाह के भी उससे ऊपर नहीं हो पाता था, मैं बार बार गिर जाता था, फिर वो तीनों ट्रेन आके मुझे मार देती थी, ऐसी सिचुएशन हो जाती थी। अब तो भाई मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अब इतनी दूर जा पाऊँगा, क्योंकि गाइस ऑफकोर्स ये गेम भी मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर अब ये GTA 6 वगैरह गया, अब में हम अपने ओल्ड लेजिट गेम को भूल चुके हैं। सो गाइस आप भी एक बार ज़रूर से खेलना, आपकी बचपन की यादें ज़रूर से ताज़ा हो जाएंगी, और मैं इस गेम में पूरा अपना हाई स्कोर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी दूर जा पाऊँगा, पर फिर भी गाइस हम पूरा ट्राई करेंगे, ये हम पूरी ट्राई करके जाएंगे सबसे हाई स्कोर पे जो मैं आज अपना बनाऊंगा इस गेम में। और मैंने बहुत सारे जंप करके करके इसे इतना आगे तो बढ़ा ही दिया, मैं और आगे बढ़ा दूंगा और बिल्कुल बन जाऊंगा इस गेम का चैम्पियन, और अब की बार का हाई स्कोर देखने वाला होगा मेरा कि मैं कितना हाई स्कोर बना पाता हूँ इस गेम में। और मैं इन सब के बीच में भूल गया कि मैं गाइस मरा नहीं सब सफर में, आप लोगों ने देखा ही, मैं तो बहुत आगे गया, पर इन सब के बीच में मैं GTA 6 का ट्रेलर देखना भूल गया, तो मैं जा रहा हूँ वापस से ट्रेलर देखने, आप भी जाओ, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर देना,